तो दोस्तों लास्ट फ्राइडे को इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट दिखाई दिया, और यह गिरावट छोटा मोटा नहीं था। मतलब यहां पर अगर मैं बताऊं तो गैप डाउन में इंडियन स्टॉक मार्केट की ओपनिंग हुआ था। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो वहां पर निफ्टी 17,605 पर जाकर बंद हुआ, मतलब वही लेवल पर। और लास्ट फ्राइडे को निफ्टी ओपन हुआ था 17,491 के लेवल पर, मतलब 17,451 के लेवल पर। यहां पर गैप डाउन ओपन हुआ, और ये चीज होता है प्रीवियसली कोई मार्केट में अगर नेगेटिव सेंटिमेंट होता है तो गैप डाउन ओपन होता है, और अगर प्रीवियस कोई मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है तो उसके बाद वाले मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है। लेकिन यहां पर बात है गैप डाउन ओपनिंग की। अब ये चीज क्यों हुआ है, या फिर ये चीज सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ ही क्यों हुआ है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ ही ये दिखाई दिया है। वर्ल्ड की जितने सारे स्टॉक मार्केट हैं उन सभी के ऊपर अच्छा खासा गिरावट दिखाई दिया है। अब दोस्तों ये सारी चीजें होने के पीछे कारण क्या है, यह है सबसे बड़ी बात। तो दोस्तों पिछले दिनों यूएस के जो इन्फ्लेशन रेट है वो निकल कर आया। हालांकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा ये सभी को पता था, लेकिन कितना बढ़ेगा ये किसी को नहीं पता था। और जब इन्फ्लेशन रेट 7.5% की आया तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है यूएस जैसे मार्केट के लिए। यूएस में 7.5% पिछले बहुत ज्यादा सालों से नहीं हुआ था, तो ये चीज अचानक से बहुत पैनिक कर गया, और इसी चीज को देखते हुए यूएस स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा गिरावट दिखाई दिया। हालांकि नंबर के टर्म्स पर अगर हम ना भी जाए तो भी जो गिरावट हुआ है वो अच्छा खासा हम लोग कह सकते हैं। अब यूएस स्टॉक मार्केट में अगर कोई भी पत्ता हिलता है तो दुनिया के जितने सारे स्टॉक मार्केट है वहां पर इफेक्ट जरूर दिखाई देता है, क्योंकि हम माने या फिर ना माने आज के दिन में यूएस की इकोनॉमी सबसे बड़ा इकोनॉमी है, और किसी देश में अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो उस देश में जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश किया जाता है। अब यूएस में अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है तो यूएस की जो सेंट्रल बैंक है वो है फेडरल रिजर्व। अब फेडरल रिजर्व यूएस में जो इन्फ्लेशन बढ़ा है उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके की उपाय जरूर अपनाएगा, और यहां पर सोचा जा रहा है या फिर ये चीज जरूर होने वाला है, ऐसा मान ही लिया गया है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए। हालांकि ये सबसे पहला कदम है हर एक देश के क्षेत्र में कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ जाते हैं तब आप अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दीजिए, ताकि सेविंग्स बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा घट ही जाए। खैर ये चीज करने वाला है, और अगर फेडरल रिजर्व के द्वारा ये चीज किया जाता है तो बाहर की जितने सारे देश है वहां से पैसा जरूर निकलेगा। अब दोस्तों जो इन्फ्लेशन की बात मैं कर रहा हूं वो आज के दिन में यूएस के साथ हुआ है, और उम्मीद किया जा रहा है कि इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। हालांकि इंडिया और यूएस को छोड़ भी दे तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। बहुत अच्छा आज के दिन में इंडिया का हालत है कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल में रखा गया है। और दोस्तों ये सारी चीज होने के पीछे जो मेन कारण है वो है COVID-19, क्योंकि पिछले 2 सालों में COVID-19 के चलते जितने सारे उथल पथल पूरी दुनिया में हुए हैं उसका आफ्टर इफेक्ट अब आहिस्ता आहिस्ता देखने को मिलेगा। कुछ हद तक हम लोगों को ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, और आगे चल के भी मिलेगा, कुछ ऐसा ही अनुमान किया जा रहा है। तो दोस्तों यही सारी चीजें हैं जो कि आगे चल के भी मार्केट को, यानी कि इंडिया छोड़कर पूरी दुनिया की मार्केट को उथल पुथल करने की मादा रखता है। हालांकि इसके अलावा और एक बहुत बड़ा कंसर्न है, वो है रशिया और यूक्रेन की। मतलब हम सभी को शायद पता है कि रशिया किसी भी दिन यूक्रेन पर अटैक कर सकता है, और अगर ये चीज होता है तब भी मार्केट में बहुत ही ज्यादा गिरावट दिखाई देने वाला है। हालांकि इस चीज को ऑलरेडी रशियन मार्केट में फैक्टरिंग कर चुका है या फिर फैक्टरिंग कर रहा है, तभी रशियन मार्केट बहुत ही ज्यादा गिर भी रहा है, क्योंकि किसी भी दिन ये खबर आएगा कि रशिया के द्वारा यूक्रेन पर अटैक कर दिया गया है, तब दुनिया के जितने सारे मार्केट हैं सभी गिरने वाला है।
अब दोस्तों ये गया होलिस्टिक अप्रोच, अब आपको और हमको करना क्या चाहिए। तो दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि हम लोग इंडेक्स के ऊपर दांव लगाते हैं, ज्यादातर केसों में हम लोग इंडेक्स पर दांव नहीं लगाते हैं, हम लोग पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक पर या फिर किसी एक सेक्टर की कुछ एक स्टॉक के ऊपर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो यहां पर स्पेसिफिक स्टॉक होना पड़ेगा, मतलब स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना पड़ेगा। हमने जो स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट किया है क्या उस स्टॉक के ऊपर हो रहा है, मतलब स्टॉक क्या ग्रोथ दे रहा है, डिग्रोथ में जा रहा है, क्या स्टॉक में आगे चल के हो सकता है, यही सारी चीज देखते हुए हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। पूरी अगर हम मार्केट के बारे में सोचे तो शायद उतना ज्यादा जस्टिफाइड नहीं होगा। हाँ ये चीज जरूर है कि मार्केट एक इंडेक्स है और इंडेक्स को ही तय करना होगा कि आगे चल के स्टॉक के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों अगर आपके पास किसी भी तरीके की या फिर कोई भी कंपनी का स्टॉक है तो आप पर्टिकुलर उस स्टॉक के पोर्टफोलियो के ऊपर जाकर अपना जो डिसीजन है उसको लीजिएगा तो अच्छा होगा। अब इसके अलावा मैं ये बातें भी आप लोगों के साथ ऐड कर दूं कि अगर किसी भी कारणवश मार्केट यहां से भी गिरता है तो आपके जो स्टॉक है वो उसका भी भाव जरूर गिरेगा, तो वहां पर खरीदने का मौका हो सकता है। खैर खरीदना है या फिर बेचना है ये पूरी चीजें आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप लोग क्या चाहते हो क्या नहीं आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो और आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनके द्वारा ये सारी चीजें आप लोग डिस्कस जरूर कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।